बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो। नाजरीन, फुटबॉल पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के टॉप थ्री सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से हैं? आपको जो आजकल हम जो इंटरनेट पे देखते हैं कि एम्बापे को साइन किया गया 200 मिलियन यूरोस का या 150 मिलियन यूरोस का, 200 मिलियन डॉलर्स का, या ये, या जबकि एक फ्लॉप डिफेंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड में ट्रांसफर हुआ तो उनकी प्राइस फी थी 80 मिलियन यूरोस, ठीक है, जो पाकिस्तान में करोड़ों अरबों रुपए बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स कौन से हैं, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो के इंस्टाग्राम पेज पर एक रील शाया की गई थी जो कि मैंने बनाई थी, वो जरा आप मुलाहिज़ा फरमाइए। ईसा सुलेमान और अब्दुल्ला इकबाल की यूरोप में मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट डबल बल्कि ट्रिपल हो गई है। ईसा सुलेमान, जिनकी प्रीवियस मार्केट वैल्यू 350 के यूरोस थी, वो अब 600 के यूरोस हो चुकी है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनते। पिछला सीजन अजरबैजान लीग में खेलते उन्होंने 4 गोल्स और 2 असिस्ट किए, और वो भी एज ए सेंटर बैक। जबकि अब्दुल्ला इकबाल की 1 लाख यूरो से लेकर 3 लाख यूरो मार्केट वैल्यू हो चुकी है, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए। आपने देखी, यही है टॉप टू, और तीसरे पे हमारे नन अदर देन ओटिस खान। अब ओटिस खान की जिस तरह गेम है, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू मी आई वुड से कि वो वर्थ इट है 500 के, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू इस वक्त है 100,000 पाउंड, यानी 1 लाख पाउंड, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं आई गेस 3 करोड़ कुछ बनते हैं। लेकिन द थिंग इज के ये जो मार्केट वैल्यू है, ये बहुत सारी चीज़ों में बेस करती है, डिपेंड करती है इस चीज़ पे कि आपके कितने गोल्स हैं, आपके कितने असिस्ट्स हैं, आप किधर खेल रहे हैं, आप किस डिवीज़न में खेल रहे हैं, आपकी हिस्ट्री किधर की है ये, एंड बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान विच इज़ ऑलरेडी अ नेगेटिव पॉइंट। अगर आप पाकिस्तान की नेशनल टीम में, तो इस फीफा से एसोसिएटेड 206-207 कंट्रीज़ है, जिसमें मैं भी रॉन्ग, लेकिन पाकिस्तान का 195 से ऊपर रैंकिंग है, तो वन ऑफ द वर्स्ट रैंकिंग इन द फीफा रैंकिंग में है पाकिस्तान की, तो ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू लीडर इफेक्ट होगी। दूसरी बात, प्लेयर्स की असिस्ट वगैरह सब कुछ मैटर करता है, यानी कि आप ओटिस खान जो कि मिडफील्डर भी खेलते हैं, फॉरवर्ड भी खेलते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट उनको पर्सनली मैंने उनकी तमाम मैचेस देखे पाकिस्तान में, दैट मैन इज़ अ लेजेंड, ठीक है। वो डिफेंड पे भी जाता है, वो बॉल के कॉन्स्टेंटली पीछे, जिस तरह फ्रेंच टीम में अगर आप एनगुलो कांटे को जानते हैं कि भाई वो भी मिडफील्डर है, लेकिन वो आगे जाता है पीछे जब बॉल के पीछे, एंड पाकिस्तानी टीम की जो कॉम्बिनेशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो ओटिस खान भी वही रोल प्ले कर रहे थे कि डिफेंड पे भी खेल रहा है, मिडफील्ड पे भी खेल रहा है, और अटैक पे भी जा रहा है, एंड इसके बावजूद उनकी जो है इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू जो है वो है 100 के यूरोस, जो कि बनती है अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ बनती है। तो फ्रॉम अ प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट एनफ, लेकिन ऑब्वियसली ये इनकी तनख्वाह वगैरह नहीं होती, इनकी मोस्टली ट्रांसफ़र फी होती है। अगर किसी क्लब ने इनको साइन करना है तो जिस क्लब में ये मौजूद है उनको 100K देने पड़ेंगे। वन पे ईसा सुलेमान अगेन 650K, अब्दुल्ला इकबाल 300K, एंड ओटिस खान 100K। एक और जो है बहुत बड़ी बात है, इस वक्त जो है मैं मार्केट ट्रांसफ़र मार्केट के पेज पे मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम फुटबॉलर्स की जो है मार्केट वैल्यू लगाई जाती है। पेपे, जो कि दुनिया के बेहतरीन डिफेंडर्स में से है, कि चैंपियंस लीग जीत चुके, ला लीगा जीत चुके, क्लब वर्ल्ड कप जीत चुके, या तक इंटरनेशनल ट्रॉफी यूरोस भी जीत चुके हैं जो इस वक्त चल रहा है, उनकी एज है आई थिंक 41, लेकिन एट द मोमेंट उनकी मार्केट वैल्यू है 500,000 यूरोस, जबकि पाकिस्तानी डिफेंडर ईसा सुलेमान की मार्केट वैल्यू है 650K यूरो, सो विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन आफ्टर ऑल ईसा सुलेमान काफ़ी यंग है टू बी कंपेयर टू पेपे, लेकिन आफ्टर ऑल पेपे इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स ऑफ ऑल टाइम, तो एक अच्छी बात है इस बार। लीग स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, वी नीड दैट ऑफकोर्स, एंड हमारी दुआ है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे आए पाकिस्तान में, उभरते हुए खिलाड़ी आए जिनकी मार्केट वैल्यू जो है अरबों में हो, ये हमारी दुआएँ, हमारे ख्वाहिशात है। एंड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो। पाकिस्तान जिंदाबाद।